देवरी सा हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस अभी कहानी है कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा दी। बस मैं ऊपर आई हुई और मौसम इतना अच्छा हो रखा है, इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने थोड़ा सा व्यू भी लिया बाहर का। और अब बस मैं जाऊँगी नीचे, मेरे मंदिर की अभी पूजा बाकी है। आज एकादशी है, मतलब 11 है तो मेरे फास्ट है, तो बस मुझे पूजा करना बाकी है, तो मैं जाके करूँगी पूजा। तो बस इसी के साथ में बने रहिए हमारे आज के ब्लॉग में। तो पूजा मेरी हो चुकी है, यहाँ तुलसी माता को चढ़ा देती हूँ जल। अभी बाहर इतनी अच्छी धूप दिखाई दे रही है, लेकिन इतना तेज तूफान आ रहा है, ये देखो, मतलब हवा इतनी खतरनाक है, इसलिए स्लाइडर खोलना बंद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज कपड़े भी सारे अंदर ही सूखने के लिए डाल दिए, क्योंकि बाहर तो एक कपड़ा भी नहीं रह पाएगा, तो यहाँ मैंने सारे कपड़े सुखा दिए। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ मैंगो, और मैं मैंगो इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मेरे है उपवास, और किसू ने तो खाना खा लिया, तो किसू को नहीं मिलने वाले, किसू तुझे नहीं मिलेगी ये। तो मैंने अपने लिए काट लिया मैंगो, और मैं यहाँ बाहर बालकनी में बैठी हूँ, इतनी तेज हवा आ रही है, और यहाँ पे खा रही हूँ मैं आम, और किसू मुझे देख रही है। अब किसू का भी बहुत मन हो रहा था, मुझे किसू को भी काट के देने पड़ेंगे ना किसू। किसू ने स्कूल से आते यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की अभी तक। तो अभी हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं शाम की चाय, और चाय पीने के बाद में हम बनाएंगे इडली। तो इडली के लिए यहाँ हमने घोल तैयार कर लिया, खाली इसमें सोडा ऐड करना बाकी था, तो बस यहाँ पे हमने सोडा भी ऐड कर लिया। और अभी बहुत सारी कैरी है, लेकिन फिर भी आज इडली बनानी पड़ रही है, क्योंकि जो किस्सू है उसको खानी थी कि इडली खाऊँगी मैं, मुझे काफ़ी दिन हो गए, तो फिर उसने ताई जी के आगे डिमांड लगा दी, तो बस ताई जी ने तैयार कर दी उसके लिए इडली। और इडली है, और उसके साथ में बनाई हमने चटनी बेसन की, क्योंकि इसके साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और साथ में हमने थोड़ा ऐसा सांभर भी बना लिया। तो यहाँ पे देखिए इडली भी बनके हो चुकी है रेडी, अब किसू करेगी एंजॉय, और किसू के साथ में सभी। तो फाइनली मैंने इडली खा लिया चटनी और सांभर के साथ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगी। और अभी मैंने इडली खाई है, और अभी मैं आई हूँ बाहर हवा खाने के लिए। ये देखिए कितनी तेज हवा चल रही है गुजरात में, पूरा पेड़ हिल रहा है। थैंक यू ताई जी, इतनी टेस्टी इडली बनाने के लिए। वेलकम कृष्णा, खाने के लिए। अभी हो रहा है इवनिंग टाइम, और मतलब मेरे तो फास्ट था, तो बच्चों ने तो इडली और चटनी बनाई थी तो वो खा ली, और मेरे लिए बनाई थी श्यामा की खिचड़ी, तो मैंने खिचड़ी खाई, और जस्ट अभी मैं खिचड़ी खा के उठी हूँ, और यहाँ पे आ गई श्री। मतलब श्री हम लोगों को आए हुए 2-3 दिन हो चुके, लेकिन श्री आज ही आई है घर पे, तो श्री को इतने दिनों के बाद में मिले हम लोग, है ना श्री। हाँ। किसू भी श्री से पहली बार ही मिल रही है अभी। और श्री स्कूल भी जाने लग गई है, श्री अब स्कूल जाते हो ना? हाँ। कौन से स्कूल में जाते हो बताओ? और यहाँ पे ताई जी भी आ चुके हैं पीछे। हाय। यहाँ पे बेटी है श्री ढोकली, श्री श्री ढोकली है, और ये देख रही है मासी का चूड़े का कलेक्शन जो अभी मासी लेके आई थी। मतलब मासी अभी राजस्थान गई थी तब लेके आई, तो मैंने देखे नहीं है, तो बस मैं आज मासी का सारा कलेक्शन ही देख रही हूँ, मासी क्या क्या नई नई चीज़ें लाई है, उसके सूट भी देखूंगी, पर पहले मैंने बोला चूड़िया बता मुझे किसू, ये बता ना अच्छा लग रहा ताई जी का। मासी एक तो ये वाला चूड़ा लेके आई ढाल उतार, और ये भी सारा कलेक्शन मासी का न्यू है, मासी अभी ये वाला ये और ये सब अभी लेके आई थी। तो मैंने मासी के अभी कपड़े और मासी क्या लेके आई वो कुछ भी देखा नहीं, तो मैंने अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कुछ देखती हूँ। मासी अच्छे लेके आई सब, ये भी ढाल उतार है ने। और ये श्री क्या कर रही है, श्री क्या लेके आई श्री के लिए? ये सृष्टि जी जी की है। एक ये वाला मैंने ना, ये तो हमने उस दिन जोधपुर से ली थी ना, अच्छी है, ऐसी कैसी रहेगी। खाली ये हम लोग उस दिन जोधपुर गए थे तब मासी ने खरीदी थी, तो मेरे मासी का सारा पेंडिंग है देखना, तो सूट का कलेक्शन तो मैं कल देखूंगी, तो आएगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में ना मासी। ये अच्छी लगी मुझे। कौन सी? ये मतलब साड़ी पे भी पहन सकते हो, ड्रेस पे भी पहन सकते हो, इतने तो ये वाला लौटा दो तभी। अच्छी है। आपको कैसी लगी श्री, आपको कैसी लगी चूड़ियां? अच्छी लगी। अच्छा तो आप स्कूल क्या करने जाते हो श्री? श्री इधर देखो, श्री खेलने में हो गई है मस्त, श्री इधर देख। पापा इधर थे। हाँ? और मैंने देखा मम्मा थे ना,
क्या चल रहा है मम्मा? आए दिन श्री कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप क्या बोल रहे हो? श्री डक की स्टोरी सुना रही है पर कुछ पता ही नहीं चल रहा श्री हमें। वापस से सुनाओ। एक डक थी। एक डक थी। हाँ फिर क्या हुआ? ओ बाप रे, डक के पास में भूत भी आता है क्या? श्री गए झूठ बोल रही है। युवराज श्री देखे कितनी सारी गप्पे छोड़ रही है। बड़ी बड़ी रिजान देखो गेम भी आता है। और ये भी आता है। श्री देखो मैं पिंक पिंक लेके आई। ले श्री तुझे ताई जी आज सब बता के रहेंगे ताई जी क्या लाए। देख पर्स लाए श्री के लिए है ना। श्री को स्कूल जाए तब लेके जाना, ताई जी से ले लेना। श्री अब बाय कर दो। ओके चलो बाय। अब बाय कर दो श्री। बाय बाय। देख ताई जी अपना दूसरा पर्स भी लेके आ गए दिखाने के लिए। देखा ये ताई जी आप बहुत अच्छा लाए। ऐसे बोल बहुत अच्छा लाए। चलो अब मैं बाय कर देती हूँ। श्री बाय कर दो। Bye. इधर फोन में करो ना। बाय बाय कर दो। बाय ये तो नहीं इस फोन में। बाय। अभी आई थी श्री और श्री को अभी बस घर पे छोड़ा है और मैं यहाँ पे ये पीछे केरी पड़ी मतलब आम पड़े उनमें से जो खराब हो रहे वो अलग रख रही थी क्योंकि अगर एक भी अंदर एक खराब होता तो फिर सारे बिगड़ जाते। इसलिए अभी यहाँ पे भी ये कुछ रूम में भी रखी हुई है स्टोर रूम में। पर अब तो ज़्यादा कैरी खराब भी होने लगी क्योंकि एक साथ में सारी पक भी चुकी है इसलिए इनके ऊपर कुछ रखा भी नहीं है उड़ा के। नहीं तो पकाने के लिए पेपर वगैरह रखना पड़ता है पर अभी ये सारी पकी हुई है इसलिए बहुत जल्दी ख़राब होती है। कितनी सारी कैरियों का तो मतलब मासी ने रस भी निकाल के पूरे फ्रीज में स्टोर भी कर दिया हम लोग आए उससे पहले भी। और मासी का कलेक्शन मेरे मतलब मासी वहाँ से जैसे ननिहाल से सूट वगैरह लेके आई थी वो मैंने देखे नहीं थे क्योंकि हम लोग मिले थे जोधपुर में लेकिन एक दिन हम शॉपिंग करने चले गए और दूसरे दिन फिर मासी को रवाना होना था तो उसके सूट मेरे देखने बाकी थे तो फिर उसने अभी सोचा कि बताते हैं। पर फिर अभी तो मासी ने यहाँ पैकिंग ही नहीं खोली सीधा बैग अंदर रखा हुआ बेड के अंदर तो मैं बस कल देखूँगी उसके सारे सूट। ये चूड़ियाँ तो बाहर रखी थी अभी वो नहीं लेके आई तो वो बस देखी और श्री भी आई हुई थी तो वो भी गई और बच्चों को बस सुला दूँगी क्योंकि सुबह मॉर्निंग की जल्दी स्कूल होती है तो के यहाँ पे भी मैंने खराब थे वो निकाल दिए बाहर। तो बस आज का छोटा सा ब्लॉग था तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।